आगे हम बात करेंगे लौह नगरी जमशेदपुर की। जमशेदपुर में दबंग बिल्डरों के आतंक की आह पुलिस प्रशासन ने भी सिर झुका दिया है। दबंगों को कोर्ट भी परवाह नहीं है और माफ कीजिएगा कोर्ट की भी परवाह नहीं है। एक ऐसा ही मामला धतकी डी से सामने आया है जहां एक शख्स अपनी जमीन और जान माल की हिफाजत के लिए धरना पर बैठ गया है। आरोप है कि उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया और जबकि मामला अदालत में है। अदालत की परवाह किए बिना ही जमीन परक निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। यह है दुर्गा प्रसाद शर्मा। जमशेदपुर के धटकी डी निवासी दुर्गा प्रसाद शर्मा की जमीन पर दबंग बिल्डरों ने कब्जा जमा लिया है। मामला अदालत में है लेकिन कानून और अदालत को भी ठेंगा दिखाते हुए कब्जाई गई जमीन पर धड़ल्ले से काम जारी है। पुलिस से मिन्नते की, प्रशासन के आला अफसरों के आगे गुहार लगाई लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी सुना था तो मजबूर होकर महात्मा गांधी का रास्ता अपनाया, लाचारी में धरने पर बैठ गए। और इसमें काम हो रहा है, काम रोकने के लिए कोई तैयार नहीं। प्रशासन के सभी उच्च पदाधिकारी के पास हम लोग चले गए, कोई काम नहीं रोक रहा। दो बार 144 लगा, निर्भय गति से काम चलते रहा, कोई रोका नहीं। अभी क्या पोजीशन है? अभी भी काम हो रहा है, तो आज हम लोग धारणा में है तो काम बंद। दबंगों को न कानून की परवाह है न अदालत का लिहाज। मनमानी ऐसी कि अब दुर्गा प्रसाद शर्मा को धमकी दी जा रही है। जमीन के साथ साथ दुर्गा प्रसाद जानमाल की हिफाजत की गुहार लगा रहे हैं। खतरा है, देखिए 10-15 लोग आते हैं, बगल में बैठ के काम करते, आदमी को डर तो लगेगा ही है। ठेकेदार का भाई पुलिस वाली आए काम करे, धमकी तो हमेशा आते जाते लोग देते हैं, देख लेंगे। हम लोग अल्पसंख्यक है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, इसीलिए प्रशासन से निवेदन है कि हम लोग की जान माल की सुरक्षा की जाए। दुर्गा प्रसाद शर्मा के आरोपों में थोड़ी सी सच्चाई है तो पूरे पुलिसिया व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कोई कानून और अदालत से कैसे ऊपर हो सकता है। TV45 के लिए जमशेदपुर से सुमच्छा की रिपोर्ट। इससे खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सुमित झा हमारे साथ बने हैं। सुमित, दबंग बिल्डरों के इतना आतंक बढ़ गया है कि उन्होंने जब अदालत का भी परवाह नहीं है और लगातार वहां पे निर्माण कार्य भी चल रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, आपको बता देना चाहूंगा कि जो जमीन के मालिक जिन्होंने अपना दावा जमीन पर किया है उनके अनुसार उनका कहना है कि जमीन पर फिलहाल एक मामला लंबित है जो न्यायालय में चल रहा है और कुछ दबंग बिल्डरों के द्वारा जमीन पर कब्जा कर जो है उस पर निर्माण कार्य बेधड़क किया जा रहा है और इसके खिलाफ उन्होंने ठीक जमीन के सामने ही एक दिवसीय धरना दिया और इसमें उनके कई सहयोगी भी धरना में शामिल रहे और उन्होंने गुहार लगाई है कि उनकी जमीन को बचाई जाए, भू माफियाओं से उनकी जमीन को बचाई जाए, उनके जान माल का रक्षा भी किया जाए। में देखिए भूमाफियाओं की हिम्मत तो इतनी बढ़ गई है तो क्या इस मामले में स्थानीय थाना की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है? जी, आपको बता दूं कि इन्होंने स्थानीय थाने को भी इस मामले को लेकर के सूचित किया है लेकिन थाने की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला जिसके बाद वे धरने पर बैठ गए। फिलहाल सीओ का इस पर क्या कहना है? दुर्गा प्रसाद शर्मा के अनुसार सभी सरकारें दफ्तर में सरकारी दफ्तरों में उन्होंने चक्कर काट लिया है लेकिन इस पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है लेकिन अभी तक मामला न्यायालय में लंबित है और लंबित मामला चलने के बावजूद जो है वहां कंस्ट्रक्शन कार्य जो है बेधड़क जारी है। जी सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि जमशेदपुर से खबर निकलकर सामने आई जहां दबंग बिल्डरों के आतंक क्या है, पुलिस प्रशासन ने भी सिर झुका दिया है। दबंगों को कोर्ट की भी परवाह नहीं है और मामला हम धतकी डी से आपको बता रहे थे जहां दुर्गा प्रसाद शर्मा काफी परेशान है। उन्होंने सीधे तौर पर थाना से भी गुहार लगाई लेकिन थाना की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। ऐसे में वो इंतजार में है कि कब उन्हें न्याय मिलेगा।